वापसी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पहुंचे थे रायपुर तो उनके बयान काफी ज्यादा चर्चा में रहे और उसके बाद से ही देखा जा रहा है प्रबल प्रताप जूदेव ने घर वापसी कराई है सबकी। तस्वीर भी आपको दिखा रही है। जो लोग किसी कारणवश अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना चुके थे वो लोग अब वापस से अपने पहले धर्म में वापसी कर रहे हैं। तो ये बड़ा आयोजन रायपुर में, बड़ा आयोजन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी भी यहां पर है और प्रबल प्रताप जूदेव, जूदेव परिवार की पूरी सियासत, घर वापसी अभियान, याद कीजिए दिलीप सिंह जूदेव, उनका शुरू किया गया यह अभियान और क्रिश्चियनिटी, मसीही समाज, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप लगते हैं और अब आदिवासी हजार लोग ये अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। अब सवाल एक और, मूल धर्म, आदिवासियों के धर्म को लेकर तरह तरह के रिकॉर्ड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला है कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं। अंग्रेजों तक ने उनके कॉलम को खाली छोड़ा हुआ था। खैर, वापस इसी खबर पर आते हैं। हजार लोगों की मूल धर्म में वापसी हुई है, धर्मांतरित लोगों की घर वापसी। प्रबल प्रताप जूदेव वो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस आयोजन में है, उनकी मौजूदगी में ही ये बड़ा आयोजन। प्रबल प्रताप जूदेव, आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगभग हजार लोग ऐसे हैं जो अब घर वापसी कर रहे हैं यानी अपने पुराने धर्म में वापस से आ रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का कथा का आयोजन है और वहीं पे धर्म वापसी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। हजार लोगों से अधिक यहाँ पे संख्या है जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हुए थे और घर वापसी यहाँ पर कर रहे हैं। कहा जा रहा है दूसरे धर्म में चले गए, जिन्होंने उसकी तो कुछ लोगों ने साफ कहा कि उन्हें बरगलाया गया था, कुछ चीजें उकसाई गई थी, इस वजह से वो उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से रीति रिवाज और बाकी चीजें थी प्रभावित थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म, क्योंकि पहले से ही वो सनातनी थे। ऐसे में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सनातन धर्म की दिव्यता ही है कि इतने लोग एक साथ बड़ी संख्या में जो है सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, किए हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भाजपा के नेता हैं, वो लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर अभियान, वापसी को लेकर अभियान चला रहे हैं और उसी के जुदेव परिवार की पूरी सियासत का जो बड़ा हिस्सा है वो घर वापसी अभियान का रहा है। दिलीप सिंह जुदेव की याद आ जाती है। आकाश जी, बिल्कुल शुरू से ही घर वापसी कार्यक्रम वो चलाते रहे। उनकी उनके जो पिता थे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उन्होंने का घर वापसी अभियान की शुरुआत ही, धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी करा रहे हैं। अभी तक 25,000 से अधिक जो है लोगों की घर वापसी उन्होंने कराई है और इसके साथ ये अभियान लगातार आगे भी बढ़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे और एक बड़ा आंकड़ा भी उन्होंने दिखाया, तकरीबन 25,000 लोग अब तक जूदेव परिवार की कोशिशों के चलते, सरकार बदल जाने के बाद अब ये जो घर वापसी कार्यक्रम है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है।